आपसे रिश्ता है प्यार का, मन सीप का तू मोती। क्यों मियां, कैसे आए? अस्सलाम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो अब्बा ने आप लोगों के लिए मौसमी फल भिजवाया है, वही देने आया था। अरे ये सब इसकी क्या जरूरत है? ये सब कुछ तो बाजार में मिल जाता है, और इतना ज्यादा। भाई हम इस घर में हैं कितने? बस वो अब्बा ने भेजा तो आ गया। ठीक है, चलो हम मुंशी से बात कर लेंगे। अब आए हो तो चाय पी कर जाना। हा? मैं निकलूंगा नवाब। चाय पी कर जाएंगे आप, तशरीफ रखें। खाला, मैं मदियापी के लिए दवा लाया हूँ, और डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये दवा टाइम पे लेंगी तो इनका बुखार आज ही उतर जाएगा। आपने खामखा पैसे खर्च किए, मैं इतनी अहम नहीं हूं आदिल। अगर मर भी जाऊंगी तो दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी बातें मेरा दिल चलाती है बेटा। मदियापी, मायूसी की बातें नहीं करते। देखे यहाँ पे आपसे प्यार करने वाले कितने लोग हैं। ये आपकी माँ है, कितनी मोहब्बत करती हैं आपसे ये, और कितनी मेहनत करती हैं आपके लिए। इनकी मोहब्बत की कदर करें। मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकी, उल्टा बोझ बन गई। ऐसा मत सोचो मत, तुम तो मेरी बहुत प्यारी बच्ची हो। अच्छा आप जल्दी से ये दवा खा लें और ठीक हो जाएं। अब आपको सिर्फ घर का काम नहीं करना, बल्कि खाला के साथ सुमैया की तरह सिलाई में भी हाथ बटाना है। हुनर हमेशा काम आता है, और हुनरमंद इंसान की कदर भी ज्यादा होती है। चाय। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? मैं जानती हूँ तुम्हारा चाय का टाइम है। मदिया आपा के लिए भी चाय ले आओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस सोना चाहती हूँ। ऐसे तो हम नहीं जाएंगे, जब तक आप दवा नहीं खाएंगी हम आपको सोने नहीं देंगे। दवा खाएं। अच्छा ठीक है, दे दो। मामूली सा बुखार है, दवा दे दी है ना, आप ही बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बुखार तो उनका उतर ही जाएगा, लेकिन उनकी मायूसी और तन्हाई का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। काश कि मैं अपनी बहन के सारे ख्वाब पूरे कर सकती। उनके सारे ख्वाब पूरे होंगे इंशाल्लाह। वैसे इस माशरे ने औरत को कितना बेबस और मजबूर कर दिया है ना। तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? मैं बहुत उदास हूं आज। एक तो आप ही का दुख, और ऊपर से दुरे अदन का दुख। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा दिल बहुत बोझ के नीचे। क्या हुआ दुरे अदन को? बहुत बुरा हुआ है उसके साथ, उसे तो अपनों ने ही जख्म दे दिया। आस दिलाकर तोड़ दी उसकी। तुम फिर आ गए? हाँ मियाँ, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फिट फाट। हाँ भाई, सभी ठीक ठाक है सवाय हमारी बीबियों की। क्या हो गया आपकी बीबियों को? अभी कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल कुछ बात नहीं। क्या बताएं, लगता है उन्हें तो किसी की नजर ही लग गई है। वो मेहमान बीबी चली गई।
हाँ चली गई हैं, और अच्छा ही हुआ जो चली गई हैं। अरे भाई इस महंगाई के दौर में क्या इंसान खिदमतें करता रहे, खातर तवाज़ा करता रहे। अच्छा हुआ जो चली गई, और बेचारी दुरे अदन, अच्छा नहीं किया उनके साथ, अपने बेटे के रिश्ते की आस दिला के बाद में मना कर दिया और खुद रुखसत हो गई। दुरे अदन का रिश्ता नहीं हुआ? अरे क्या हम फारसी बोल रहे हैं, बता तो रहे हैं आपको कि नहीं हुआ, मना कर दिया। ये तो वाकई मेहमान भी बहुत अच्छी थी। अच्छी थी ये तो तुम कह रहे हो ना। सुने चाय पिलाए मुझे, नवाब साहब ने कहा चाय पिए बगैर नहीं जाना। हाँ, पिला रहे हैं, पिला रहे हैं। और हाँ बीबियों का मेरा सलाम। सुनो जेबी भी जब बात करेंगी ना तो पर्दे में करेंगी। जी बेहतर। बीबी बीबी कैसे हैं बिलाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। हमारा एक पैगाम मुंशी साहब को दे दीजिएगा, उनसे कहिएगा हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी बेहतर। मेरे लायक और कोई खिदमत? बहुत शुक्रिया। मेरी तो आपसे नाराजगी बनती है भाई साहब। वो क्यों? इतने दिन हो गए आपको लाहौर से आए हुए, अब बहन के घर में चक्कर लगा रहे हैं। अरे रजिया बहन, इतने दिनों बाद तो कराची आना हुआ है, और हमारे सारे रिश्तेदारों और अजीजों का भी यही गिला है मुझसे। लेकिन सबसे पहले हमारा हक बनता है। हाँ। अरे तुम आ गए बेटा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुश रहो बेटा। अब कुछ नहीं, वो अब्बा आंटी से मिलना चाहते थे तो उन्हें मैं साथ ले आया। तो अच्छा किया बेटा, तुम्हारा अपना घर है। आप बिस्किट लेना चाचा? क्या हरकत थी? कौन सी हरकत? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस हरकत की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, अब्बा को तुम्हारे हलाने वाली बात? जी हाँ। हाँ तो तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारी अम्मा मेरे अब्बा को बहुत याद करती है। हाँ तो मैंने सोचा कि एक मुलाकात ही करवा दूं इन दोनों की। देखो तुम मजाक कर रहे हो ना? हाँ अब तक तो मजाक ही कर रहा था, लेकिन अगर बहुत बहुत बेशरम हो तुम, बताती हूँ मैं तुम्हें, रुक जा। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। कहाँ जाओगे तुम? अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सुनो, कल वकास अहमद आया था, मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई। पहले की ही तरह हैंडसम दिखता है, और अब तो उसकी बेटी 12-13 बरस की है, खासी प्यारी बच्ची है। सोचा था वकास अहमद से तुम्हारा जिक्र करूंगी, मगर मौका ही नहीं। या अल्लाह खैर, बीबी बीबी, अरे आंखें खोले, अदन बीबी, अदन बीबी जल्दी से आए, आंखें देखे से बीबी को क्या हो गया। अरे से बीबी अपनी आंखें तो खोले, होश तो करे। हम मेरे खुदा है, अब क्या करूं? अभी तो नवाब साहब भी शहर में नहीं है, क्या करे? अदन बीबी आ भी जाए बीबी। अरे आइए देखिए तो सही बीबी, होश करे या मेरे मौला, अब क्या करें? क्या हुआ बीबी? दादा बाबा तो फोन ही बंद कर रहे हैं। मेरे खुदा है, अब क्या करें बीबी? आप देखें बीबी,
अभी भी उठे तो सही, अरे होश कीजिए। आप इस वक्त यहाँ सब ठीक ठीक तो है ना? सब खैरियत तो है ना? नहीं, फूफो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और दादा बस शहर से बाहर गए हुए हैं। आप ही हमारी मदद कीजिए, फूफो को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, आप सवारी का इंतजाम कर दीजिए। आप परेशान ना, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, मैं बाइक निकाल लूँ। नहीं, डॉक्टर घर आएगा तो बहुत फीस लगेगी, हम फूफो को ले चलते हैं डॉक्टर के पास। आप फीस की फिक्र ना करें, डॉक्टर मेरा दोस्त है, यहाँ साथ ही उसका क्लिनिक है, आप घर जाकर फूफो का ख्याल रखें, मैं डॉक्टर लेके आता हूँ। बहुत स्ट्रेस लिया है इन्होंने, मैंने कुछ दवाएं लिख दी हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें हर किस्म की परेशानी से दूर रखा जाए। वो तो आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन बंदा बशर है, दुखों और परेशानियों से कब तक बचे। फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुख और परेशानी इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। ये नुस्खा मुझे दे दें, मैं दवा लाता हूँ। खैर, ये हम पैसे लेकर आते हैं, रहने दें, मैं देख लूंगा। आइए डॉक्टर साहब, आपको छोड़ूंगा। बेटा, जाने में बहुत देर कर दी। अबा, वो रास्ते में नवाब साहब की पोती मिल गई थी। नवाब साहब की पोती? सब खैरियत तो है ना? अबा, नवाब साहब की बेटी की तबीयत खराब हो गई थी अचानक, और नवाब साहब तो कराची में है नहीं। अल्लाह खैर करे, बेटा तुमने उनकी मदद तो कर दी थी ना? जी अबा, मैं डॉक्टर को ले गया था और डॉक्टर ने दवा भी दे दी थी। अच्छा किया बेटा, पड़ोसियों के हुकूक रिश्तेदारों से बढ़कर होते हैं। अच्छा देखो, जब तक नवाब साहब वापस ना आ जाए ना, तुम उनकी देखभाल करते रहना। अबा, मैंने उनको कह दिया था मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे फौरन बुला ले। ठीक है बेटा, अब चले, अब खाना खा ले। अब फूफो की तबीयत इतनी खराब थी कि आधे अगर वक्त पे ना पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने तुम्हें कहा था ना, आदिल है ही बहुत अच्छा। हाँ सुमैया, डॉक्टर की फीस, दुआ के पैसे सब आदिल ने अपनी जेब से भरे हैं। एक दो रोज में दादा जान लौट आएंगे तो हम उनके तुम्हारे थ्रू सारे पैसे चुका देंगे। ठीक है। सुनो, हम दादा जान और फूफो को यही बताएंगे कि पैसे तुमने दिए हैं, आदिल का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, और कुछ? हाँ, आदिल साहब का हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करना। शुक्रिया की क्या बात है, तुम दोस्त हो मेरी और तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। और बहुत चाहते हैं वो तुम्हें। हाँ, हमारा बचपन का साथ है, हम दोनों ने ना एक दूसरे के दुख सुख खुद ही बांटे, तसल्ली दी, एक दूसरे को दिलासा दिया और जहां तक भी हो सका एक दूसरे की मदद की है। वो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानता है, इसीलिए मैं अपनी कोई बात उससे छुपाती नहीं हूँ। लेकिन बुराए मेहरबानी, हमारी उनसे बातें करने से परहेज करो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो नामहरम है। ओ अच्छा, हाँ। बीबी, अरे ये क्या, खाना रख के गई हुई हूँ, खा ले, ठंडा हो गया होगा अब तो, मैं गरम कर लाती हूँ। रहने दीजिए, क्या ठंडा क्या गरम, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीबी, थोड़ा सा कुछ खा लें, उसके बाद फिर आपने दवाई भी खानी है। हसूरी, ये लड़का कौन था जो डॉक्टर को लेकर आया था? उसे किसने बुलाया था? वो लड़का ठीक से मुझे मालूम तो नहीं। अरे हाँ, वो शायद अदन बीबी बाहर गई थी, उन्हीं के साथ अंदर आया था। अदन? अदन रात को बाहर गई थी और वो उस लड़के को बुलाकर लाई है? क्या कह रही हैं आप, वो उसे कैसे जानती हैं?
आप बुलाइए अदन को मेरे पास। जी बीबी। फुफा आपने बुलाया? अदन, मेरे सवालों का ठीक से जवाब दीजिए। जो लड़का डॉक्टर को लेकर आया था उसे आप बुलाकर लाई थी, कैसे जानती हैं आप उसे? हम उसे भला कैसे जानेंगे? अगर नहीं जानती थी तो उसे बुलाकर क्यों लाई? हम तो सिर्फ सुमैया को बुलाने गए थे और वो लड़का सुमैया के पड़ोस में रहता है, सुमैया ने ही उसे बुलाया था। फुफो, आपकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, हमें सुमैया की मदद चाहिए थी। जी बीबी, अदन बीबी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपकी तबीयत वाकई उस दिन बहुत खराब थी और डॉक्टर को बुलाना बहुत जरूरी था। उस लड़के को तो अल्लाह ने फरिश्ता बना के हमारे लिए भेजा। अरे उसने तो डॉक्टर की फीस के पैसे लिए, ना ही आपकी दवाइयों के, अपने पास से सारा खर्चा किया। क्या, इस बात का क्या मतलब है? उसने ऐसा क्यों किया आदन? पैसे तो सुमैया ने दिए थे और हमने भी उसे कह दिया कि जल्दी उसका कर्ज लौटा देंगे। या खुदाया, क्या वक्त आ गया हम पर। हमारे कपड़े सीने वाली एक मजदूर औरत के हम कर्जदार हो गए हैं। क्या आजमाइश है हमारी। अरे नहीं बीबी, आप परेशान ना हो, डॉक्टर ने आपको मना किया है, ज्यादा फिक्रमंद ना हो। डॉक्टर को क्या पता कि हमारी तो जिंदगी नाम ही मसले मसाई का है। सुमैया आए तो उसे मेरे पास भिजवाइएगा। जी। और मुंशी साहब नहीं आए, हमने उन्हें बुलाया था, हम भूल गए, अब तो हमारे मुंशी साहब नहीं रहे। आप खाना खाएं, मैं पता करती। आदिल, कहाँ आदिल? आ जाओ आदिल, आ जाओ। अरे तुम तो बड़े काम कर रहे हो। क्या आंधी तूफान की तरह शोर मचाती आती है, छोटा सा तो घर है, आदिल कहीं गुम नहीं हो सकता। अरे अपनी आमद की इत्तला देती हूँ तुम्हें ताकि तुम अलर्ट हो जाओ जरा। अच्छा खैर, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, पकाया क्या है? पता नहीं, अब्बा ने कुछ पकाया होगा, किचन में देख लो। अम्मी ने तो आज कुछ भी नहीं बनाया, कह रही थी चटनी बना लो रोटी के साथ खा लो। हमारी अलग से अब रोटी और चटनी कहाँ उतरती है। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी दोस्त की फूफो की तबीयत खराब थी, अब कैसी है? तुम्हें कैसे पता, बीमार है वो। कितने घुन्ने हो ना तुम, सारी खबर रखते हो तुम। और हाँ, वो दुर्योधन कह रही थी कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना है मैंने, और वो पैसे भी वापस कर देगी तुम्हारे। अरे मैंने तुमसे उसकी तबीयत के बारे में पूछा है। बस परेशान है और डॉक्टर ने परेशान लेने से मना किया है, लेकिन वो सुबह से शाम तक परेशान ही तो रहती हैं, और ऊपर से नवाब साहब, दोनों लड़कियां उनके अताप के नीचे ही रहती हैं। बस तुम उनसे कहना कि परेशान ना हुआ करें, जब भी कोई काम हो मुझसे तो बिला तकल्लुफ बुला लिया करें। हाँ मैं भी उसे यही कह रही थी कि आदिल को पता है कि तुम मेरी दोस्त हो, वो इस बात का हमेशा ख्याल रखेगा और जब भी कोई जरूरत होगी वो ना नहीं करेगा। उस दिन वो बहुत परेशान थी, फुफो की हालत में उन्हें खौफजदा कर दिया था। तुम उन्हें तसल्ली देना और बताना कि बीमारी सेहत जिंदगी के साथ साथ होती है, इसी तरह अच्छा बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। आज गम है तो क्या हुआ, कल खुशी भी आएगी। तुम्हें बड़ी खबर है कि वो हसास है, मैं तो भूल ही गई, मैं तो सालन लेने आई थी यहाँ पे। चने की दाल बनी है वो नहीं मैं खाती, ये दो अंडे मिले मुझे, ये लेके जा रही हूँ। अरे ये मैं नाश्ता के लिए लाया था। हाँ तो क्या हुआ, तुम नाश्ते में दाल खा लेना, अब मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। लेके जा रही हूँ मैं। अगर उस वक्त आदिल साहब ना होते तो हम अकेले क्या करते, फूफो को कैसे डॉक्टर के पास लेकर जाते, और हमें आदिल से बात करने की हिम्मत कैसे आ गई। शायद फाकरा फूफो की वजह से, उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया हो या नहीं, एक अच्छाई तो जरूर कर गई, हमें इतनी हिम्मत दे गई
कि हम किसी से बात कर सकें। अगर हमारे पास बिलाल का नंबर होता तो हम बिलाल को फोन करके बुला लेते। छोटी बीबी, वो बिलाल साहब नीचे आए हैं। मैंने उनको बताया भी है कि जेबी भी तो सो रही हैं, लेकिन वो फिर भी यही कह रहे हैं कि उनको जाके बताएं कि मुंशी साहब ने भेजा है। मुंशी साहब ने भेजा है तभी आए हैं जनाब, वरना उन्हें खुद से आने की फुर्सत कहाँ थी। चले पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। हम जैसे भी हों आपके बिला से, अगर मुंशी साहब आपको ना भेजते आज तो आप ना आते? अरे मुझे क्या पता था यहाँ मेरा इंतजार हो रहा है। यहाँ आपका इंतजार किसको है? है कोई पर्दा नशीन जिनका नाम पर्दे में रहे तो अच्छा है। फरमाइए क्यों याद किया, जरूर कोई काम होगा। जी हाँ काम था, तभी तो आपको याद किया है। जी जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। आप आते रहा करें, आप आते हैं तो जिंदगी का एहसास जाग उठता है। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो। वो फूफो की तबीयत बहुत खराब है और दादा जान भी शहर से बाहर हैं। हाँ मेरा मतलब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। परेशान मत हुआ कर, जब भी जिस वक्त भी मदद की जरूरत हो मुझे कॉल कर दिया कर, चलता हूँ। नहीं मैं चाय भिजवाती हूँ। मजीद किसी खातिरदारी की जरूरत नहीं है। मजीद खातिरदारी क्या मतलब, हमने तो अभी तक आपको पानी तक नहीं पूछा। आपके रवैये ने माला माल कर दिया हमें, इतनी खुशी मिली है कि बता नहीं सकता। कभी ने एक एहसान तो किया हमको, आपके और मेरे बीच पर्दा नहीं रहा। वो आपका नंबर नहीं है हमारे पास। जी जी लिखिए। रहने दीजिए, हम सुमैया से ले लेंगे। ठीक है। देखिए भाभी बेगम, अब गुस्सा थूक दीजिए। हम आपके शौहर के साथ यही दरखास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपके दोस्त हमेशा दिल आजादी करते हैं, गुस्से में जो मुंह में आए बोल देते हैं और फिर मुझे मनाने के लिए मेके भी आ जाते हैं। मैं कहती हूँ मेरी कोई इज्जत नहीं, बात बात में गाली गलौज हाथापाई। बस मैंने फैसला कर लिया, अब इनके साथ नहीं रहूंगी। देखिए शरीफ औरतें हर हाल में घर बसाया करती हैं। आपके ख्याल में हमारा शुमार किस किस्म की औरतों में होता है? हम तो इतना जानते हैं कि खानदानी औरत अपने खावन की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देती, उसके हर जुल्म को खामोशी से सह लेती है और घर की बात घर से बाहर नहीं आने देती। क्या यही सबक आप अपनी बेटियों को भी देते हैं? जी हाँ, हमारे खानदान की हर लड़की ये सबक अच्छी तरह याद किए हुए है। अच्छा तो फिर अपने खानदान की किसी लड़की को अपने दोस्त के निकाह में दे दीजिए, मैं भी देखूं कि कितने साबिर हैं आपके खानदान की लड़कियां। बातें बनाना बहुत आसान है। चलिए आई नसीहत करने से। अगर आप हमें चैलेंज कर रही हैं तो फिर ठीक है, हम अपनी नवासी का रिश्ता गनी कहमत से करेंगे। रहने दे नवाब साहब, जुबान से कहना और बात है, अमल करना दूसरी बात है। हमारे यहाँ जुबान ही सब कुछ है, ये रिश्ता हो चुका, मुबारक हो अनीक अहमद। अब हम
सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी। अरे नवाब साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये भला कैसे मुमकिन है? हमारे घर में दो लड़कियां हैं, हम तुम्हारा रिश्ता अपनी बेटी से भी कर सकते थे, लेकिन वो बहुत साल किसी के नाम पर रही है, तुम गिला भी कर सकते थे, इसीलिए हमने अपनी पोती का रिश्ता बेहतर समझा है। तुम मुनासिब वक्त जानकर अपने खानदान की औरतों को भेज देना कि आकर रस्म करने, फिर हम मुनासिब वक्त जानकर शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवाब साहब, जो औरत बात बात पर मैके चली आती है और अपने जवान बच्चों की मां होने की अकड़ होती है, उसके साथ तो यही कुछ होना चाहिए। तौबा तौबा, औरत जात और इतना गरूर, कयामत की निशानियां हैं। तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुमने बिलाल से ये सब कह दिया? पता नहीं, लेकिन सुमैया, जब हम तन्हाई से घबरा जाते हैं तो हमारी सोच के पर्दों पे एक चेहरा उभरता है, और वो चेहरा सिर्फ बिलाल का होता है। हमारे लाख चाहने से भी हम उसके ख्याल से पीछा नहीं छुड़ा सकते। और मुझे पूरा यकीन है, उसकी सोच के पर्दे पे जो चेहरा उभरता होगा ना, वो सिर्फ तुम्हारा ही होगा। ये कौन है? मैं देख के आती हूँ। दुर्यादन, दुर्यादन, मैंने कहा था ना, दिल को दिल से राह होती है, बाहर बिलाल आया है। सच्ची? हाँ, वो पता है हुजूरी जो है वो कपड़े धो रही है और बीबी जी सो रही हैं। बहुत अच्छा मौका है, सिर्फ तुम ही से मिलने आया है, मैं उसे लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, और आपको देख के जीने वाला सदा खुश रहे, मेरा मतलब ख्यालों में देखने वाला। सुमैया मेरे बच्चे, तुम्हारे मेरी जात पर बहुत से एहसान है, अल्लाह तुम्हें खूबसूरत सा, प्यारा सा, क्यूट सा हस्बैंड दे। हाय आमीन, ये भी दुआ करें ना कि बड़ी जल्दी अता फरमाए। इंशाल्लाह। सुमैया ये क्या बदतमीजी है, अगर अभी कोई आ जाए तो बहुत बुरा होगा, हम जा रहे हैं। अरे अरे रुको रुको, इधर इधर आओ, हम मैं जाके ना पहरा दूंगी, अगर कोई आ भी गया ना तो मैं खांस दूंगी, तो तुम भाग के वहां सोफे के पीछे छुप जाना, ठीक है? ओके, समझ आ गई? नहीं मगर खैर कैसे आना हुआ? तो ये सवाल मत पूछा करे। हाय अल्लाह, लगता है कोई आ रहा है, हजूरी हुई तो वो तो सीधा अंदर चली आएगी। अल्लाह, बीबी जी आ गए। कैसे हैं आप बिलाल? नहीं वो जी, मेरा मतलब है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो बीबी, हमारे बागों से फल उतरे थे फ्रेश, खुबानियां, तो वो लेकर आए हो आपके लिए, बहुत फ्रेश है। मुंशी साहब के लिए एक पैगाम है, हम बहुत जल्द उनसे मिलना चाहते हैं, कुछ जरूरी काम है। जी बेहतर बीबी, मैं कह दूंगा। बहुत शुक्रिया। हेलो, चलो चलिए। वाह दुर्यादन, आज तो बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया तुमने, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। वाकई ये इनकलाब आखिर आया कहां से? तुम दोनों की वजह से आज हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, अगर पुप्पो को पता चल जाता तो बहुत नाराज होते। अरे अरे ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, मेहमान आए हैं, कुछ चाय पिलाता है, कुछ पानी का पूछता है। कोई जरूरत नहीं है चाय पीने की, अब आप जाइए यहाँ से वरना कोई और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आदाब मुंशी साहब। आदाब जेब बीबी, कैसी हैं आप? बस जी रहे हैं मुंशी साहब। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर फरमाए। हमारी सबसे बड़ी परेशानी हमारी अदन है,
हम चाहते हैं कि उनका किसी मुनासिब जगह पर रिश्ता हो जाए। इसी सिलसिले में हमने आपको बुलवाया है। आप हमारी मदद कीजिए उनका रिश्ता तलाश करने में। जी मैं? हमें आपसे ही आखिरी उम्मीद है मुंशी साहब। हम बहुत पैसे वालों के लिए नहीं कहते, खानदानी होनी चाहिए, हसब नसब में हमसे कहीं कम ना हो, वरना अब्बा मियां कभी नहीं मानेंगे। जी मैं कोशिश करूंगा। और एक बात, घर में कुछ जेवरात रखे हैं, वो ले जाइए और उनकी मुनासिब सी कीमत लगवा दीजिए। और इस बात का इल्म अब्बा मियां को नहीं होना चाहिए। अगर सेब बीबी, वो तो आपके खानदानी जेवरात है। घर में बेकार रखे हैं, किसी कदरदान को मिल जाएं और हमें चार पैसे मिल जाएं तो ये क्या अच्छा नहीं होगा? जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अगर नवाब साहब को पता चल गया तो? फिक्र मत कीजिए, हम हजूरी के हाथ भिजवाते हैं। जैसी जैसे आप मुनासिब से। सुबहान है वो खालिक तखलीक जिसके तो है, कहते हैं हुस्न उसको, तारीफ जिसकी तू है, कर दे फकीर मौला मेरा इश्क बावजू है। सुबहान है वो खालिक तखलीक जिसकी तू है, सुबहान तखलीक जिसके तू है। आया हुजूर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई यहाँ पे रखो। अब्बा मियां, ये मिठाई? भाई हमारे खानदान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आज। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे तो कान तरस गए थे खुशखबरी सुनने के लिए। जल्दी से बताइए ना अब्बा मियां, क्या खुशखबरी है? थोड़ी देर बैठने तो दो ना बेटा। हजूरी जल्दी से अब्बा मियां के लिए पानी लेकर आइए। भाई हमने अपनी दुर्रे अदन के लिए एक रिश्ता तय कर दिया है, अपने जैसे हसब नसब वाले शानदार और आला खानदान में कर दिया है। सच अब्बा मियां? कहां और यूं अचानक से कैसे? बस देख लो, सब कुछ इतनी जल्दी और खुश उसलूबी से तय पा गया। लेकिन अब्बा मियां, आप तो अनीक अहमद से मिलने गए थे ना? हाँ, हम नवाब अनीक अहमद से मिलने गए थे। नवाब अनीक अहमद अब सिर्फ हमारे दोस्त नहीं बल्कि हमारे दामाद बनने वाले। दुर्रेदन का रिश्ता हमने अनीक से किया है। हजूरी से कह देना कि कल सारे मोहल्ले में ये मिठाई बांटते हैं खुशखबरी के साथ। कोई मुश्किल नहीं है, एक दो बार बनाओगी ना खुद ही आ जाएगा तुम्हें। हाँ लगता तो हमें भी यही है। दुर्योधन एक बात कहूँ? हाँ कहो। बिलाल इतना बुरा नहीं है जितना हम सोच रहे थे। ये तुम्हें बिलाल की याद क्यों आ रही है? याद नहीं आ रही, बस ख्याल आया कि हमने उसे बहुत गलत समझा था। हाँ कह तो ठीक रही हो, लेकिन इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। किसी को जानने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। अच्छा वैसे खैर तो है, बदली बदली सी है ना नवाबजादी। नहीं तो हम तो बस यूं ही एक बात कर रहे थे। देखो मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, मुझसे कैसा छुपाना? हम क्या छुपाएंगे तुमसे?
वही जो तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तुमने उनका नंबर भी ले लिया और हमें बताया तक नहीं। शक तो हमें करना चाहिए तुम पर। अरे नहीं, वो तो उसने नंबर मांगा था, कोई ना कोई काम पड़ जाता है तो इसलिए मैंने दे दिया। पागल, चलो चलो करो इसे। हाँ ऐसे ही। तो कैसे हो शायद मियां? अल्लाह का शुक्र है नवाब साहब, आप सुनाइए। बस मेहरबानी है अल्लाह ताला की। हाँ तो इस बार क्या बड़े दिनों बाद आए हो तुम? जी नवाब साहब, आना तो बहुत दिनों बाद हुआ है, लेकिन इस बार छुट्टियों पे नहीं आया हूँ। अच्छा, तो क्या मुस्तकिल यहाँ पे रहने का इरादा है? जी नवाब साहब, मेरा बेटा है आदिल, यहाँ कराची में ही पढ़ रहा है, और रिटायरमेंट के बाद अब मुस्तकिल उसके पास ही रहने का इरादा है। ये तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुम। देखो बुढ़ापे में औलाद का पास होना बहुत जरूरी है। अच्छा तो आपका बेटा यहीं कहीं होता है, कभी उससे मिलना नहीं हुआ हमारा? जी नवाब साहब, वो कराची में होता है, पढ़ाई में बहुत मसरूफ रहता है, उसकी वजह से घर के सारे कामकाज भी उसको ही देखना पड़ता है। हाँ फिर तो बहुत कम वक्त होता होगा उसके पास। अरे उससे अगर वक्त मिल भी जाए तो मोहल्ले के फजूल लड़कों के साथ उसको बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी आदत है। आप सुनाए नवाब साहब, जिंदगी कैसी गुजर रही है? बस अल्लाह का बड़ा एहसान। नवाब साहब आप किसी दिन मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाएं? रोजमर्रा के कामों से थोड़ी सी फुर्सत मिले तो जरूर आएंगे। अच्छा नवाब साहब, इजाजत है। हाँ भाई हजूरी, चाय ले आइए। हाँ अभी हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ज़ेबुन्निसा, अनीक अहमद की बेगम ने हमको चैलेंज किया है और हमने उसके चैलेंज को पूरे यकीन के साथ कबूल किया है, और हमने उसको यह भी कहा है कि शरीफ खानदानों की लड़कियां जुल्म की चक्की में पिस तो जाती हैं मगर उनकी आहें घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जाती। वो खानदान की इज्जत पे मर मिटती हैं लेकिन उफ तक नहीं करती, और हमारे खानदान का शुमार भी हस्ब नस्ब वाले खानदानों में होता है, शुरफा में होता है। इसलिए मैं यकीन रखता हूं कि हमारी बच्ची हर आजमाइश में पूरी उतरेगी। अच्छा तो आप उसे ब्याह नहीं रहे, आजमाइश की भेंट चढ़ा रहे हैं? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? रहम करें अब्बा मियां, उसे तो छोड़ दें। आपके असूलों की चक्की में पिसने के लिए क्या मैं काफी नहीं हूं? ज़ेबुन्निसा, अपनी जुबान बंद करो, हम इससे आगे नहीं सुन सकते। तुम्हारे अल्फाज में हमें बगावत की बू आ रही है और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दोबारा हम ये बात ना सुने। अदन के लिए फैसला हो चुका, उसको बदला नहीं जा सकता। एक बार, सिर्फ एक बार सोचे। जाओ, चली जाओ ज़ेबुन्निसा। मन सीप का तू मोती।